फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कोविड के कारण आजकल हमें बाजार का खाना अवॉइड करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ढोकले की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें हम लेमन जूस और कर्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए ये मेरे वीगन फ्रेंड्स को बड़ी ही पसंद आएगी। वीडियो के बीच बीच में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी, जिसके कारण आपका ढोकला भी बिल्कुल मार्केट के ढोकले जैसा ही बनेगा। इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन और ऑल प्रेस करो, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इसके लिए जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो मोस्टली हर एक के घर में होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 150 ग्राम्स बेसन लेंगे, यानी कि 1 कप बेसन, और 1 कप ही पानी हमें इसके लिए चाहिए। 1 पिंच हल्दी, नमक अपने स्वाद के अनुसार, 3 टेबलस्पून शुगर एंड 3 टेबलस्पून सूजी। हम कर्ड या लेमन जूस की जगह सिट्रिक एसिड यूज़ करेंगे। इसको नींबू के सत या नींबू के फूल भी कहा जाता है। हम आम दस्ते में इसको इलायची की तरह पाउडर करके 1/4 टीस्पून ही ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 कप बेसन को एक बोल में डालना है और 1 कप ही इसमें पानी ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें 3 टेबलस्पून सूजी के ऐड करने हैं, 3 टेबलस्पून शुगर, 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड, नमक अपने स्वाद के अनुसार और 1 पिंच हल्दी ऐड करके सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के लिए चम्मच, विस्कर या तो फोक को हम एक ही साइड घुमाते हुए इसका बैटर बनाएंगे। हम इसके लिए हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाना है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और लगभग 10 मिनट के लिए हमने इसको इसी तरह घुमाते हुए अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर हम हैंड ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड करेंगे तो लगभग हमें 5 मिनट तक, यानी कि जब इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाए तब तक हमने इसको ब्लेंड करते रहना है। फ्रेंड्स, अब आप देख ही रहे हो इसका कलर थोड़ा लाइट हो गया, इसी स्टेज तक हमने इसको ब्लेंड करना है और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। फ्रेंड्स, अब हम एक कढ़ाई या एक बड़े से पतीले में एक कटोरी नमक को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये नमक का कलर आपको इसलिए चेंज लग रहा है क्योंकि मैं इस नमक को 3-4 बार पहले भी बेक करने के लिए यूज़ कर चुकी हूँ। इसको हम यूज़ करके फेंकेंगे नहीं, दोबारा से इस नमक को हम बेक करने के लिए फिर से यूज़ कर सकते हैं। लिड लगा के इसको 10 मिनट के लिए अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम एक कंटेनर की रिफाइंड ऑयल से ग्रीसिंग करते हैं। फ्रेंड्स, बैटर को रखे हुए भी लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और हमने जो इसमें सूजी डाली थी वो भी अच्छे से फूल चुकी है। अब इसमें 1 पिंच मीठा सोडा, 1 टेबलस्पून इनो पाउडर का डाल के सारे इंग्रेडिएंट्स में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इस स्टेज तक इसको बीट करना होगा। फिर इस बैटर को ग्रीस किए हुए कंटेनर में डाल देंगे। जिस बर्तन में हमने इसको बेक करना है वो भी अच्छी तरह प्री हीट हो चुका है। इस तरह हम हाथ रख के इसकी हीट को फील करेंगे। अब ये बेक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें हम अपना
बैटर वाला बर्तन डाल देंगे और इसको लिड लगा के कवर कर देंगे। अब फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहती हूँ। कई बार वेसल और लिड में गैप होने के कारण स्टीम बाहर निकलती जाती है। इस स्टेज में हमने लिड को टॉवल के साथ कवर करके ही यूज़ करना है। लिड को टॉवल के साथ अच्छे से कवर करना है, ये ना हो कि टॉवल आग पकड़ ले। लगभग 20 से 25 मिनट में ये अच्छी तरह बेक हो जाता है। हमें लगभग 20 मिनट के बाद इसको एक बार चेक करना होगा। अगर टूथपिक बिल्कुल क्लियर हो तो इट मीन्स ये अच्छी तरह बेक हो चुका है, अदरवाइज 5 मिनट्स के लिए और बेक करना पड़ेगा। अब कंटेनर को जल्दी से बाहर निकाल लेंगे, ऐसा ना करने पर ये ओवर हीट होके जल सकता है। फिर इसको रूम टेम्परेचर तक आने के लिए रख देंगे। अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाही में 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म करके 1 चम्मच साबुत राई को चटकने तक भून लेंगे। फिर इसमें कड़ी पत्ते के फ्रेश लीव्स और हरी मिर्च को कट लगा के भून लेंगे। फिर इसमें 1 कप पानी, 2 टेबलस्पून शुगर, नमक अपने स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे। फिर इसमें 1 पिंच सिट्रिक एसिड यानी कि नींबू का साथ ऐड करेंगे और लगातार इसको हिलाते हुए एक उबाल दिला लेंगे। ऐसा करने से चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। पानी में अच्छा उबाल आने पर फ्लेम को बंद कर देंगे और रूम टेम्परेचर पर आने के लिए इसे रख देंगे। इधर ढोकला रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। नाइफ़ की हेल्प के साथ इसे कंटेनर से अलग कर लेंगे। अब इसके ऊपर एक प्लेट को उल्टा करके कंटेनर को उल्टा लेंगे और कंटेनर के नीचे वाली साइड को इस तरह थपथपाते हुए ढोकला बाहर निकाल लेंगे और फिर से इसके ऊपर एक प्लेट रख के इसको सीधा कर लेंगे। ये देखो कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। एक फोक की हेल्प के साथ इसमें होल्स कर लेंगे। जो सिरप हमने तैयार किया था वो भी रूम टेम्परेचर तक आ चुका है। अब चम्मच की हेल्प से थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर फैलाएंगे। होल्स के कारण ये जूस अंदर तक एब्जॉर्ब करेगा और जिसके कारण ढोकला और भी सॉफ्ट हो जाता है। यही एक ट्रिक है जिससे हमारा ढोकला अंदर तक जूसी बनेगा। आप इसको फ्रेश हरे धनिए के साथ भी गार्निश कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया है इस वीडियो को आप तक पहुँचाने के लिए। अब मुझे ज़रूरत है आपके थोड़े से एफर्ट की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करना। यहाँ पर मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपनी वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। जल्द ही मिलेंगे हम और आप एक और नई वीडियो में एक और नई डिलीशियस रेसिपी के साथ। थैंक यू।